में थ्योरम जो हमारी 8.9 है, इसने कहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, वो तीसरी साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। लाइन सेगमेंट कौन सा लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करने पर बनेगा। और साथ में आप ये भी कर सकते हो इसी थ्योरम में थोड़ा सा और, क्योंकि पेपर में ये एक्सरसाइज में यूज होगा, एंड हाफ ऑफ इट कि हाफ हाफ ऑफ इट, और इसका क्या होगा, आधा भी होगा। ठीक है, देखो स्टेटमेंट के अनुसार क्या दे रखा है और क्या हमने करना है। एक ट्रायंगल हमें दे रखी है, ठीक है ना, एक ट्रायंगल जो है हमें दे रखी है, और उस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। एक ट्रायंगल हमें दे रखी है ए बी सी, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ए बी का एक मिड पॉइंट हमने मान लिया जो कि क्या है, डी है, और ए सी का एक मिड पॉइंट हमने मान लिया क्या है, जो कि क्या है, ई है। ठीक है, तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या होगी, गिवन दैट दिया है कि क्या दिया है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। वीडियो कर दी स्टार्ट मैंने, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, तो देन क्या होगा कि ए डी जो है वो किसके इक्वल होगा, डी बी के, ठीक है ना। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो देन ए ई किसके इक्वल होगा, बोलो, ए ई इक्वल होगा ई सी के। क्लियर, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि जो डी ई है ना, अगर डी को मैं ई से मिलाऊं, तो मिला दिया डी को ई से, हमें प्रूफ करना है कि जो डी ई है वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के। डी ई क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, बी सी के। एंड जो डी ई है वो क्या होगा, वो हाफ भी होगा किसका, बी सी का, हाफ ऑफ इट, जो मैंने बाद में ऐड किया है। बात समझ में आई या नहीं आई, ये हमने वेरीफाई करना है। अब प्रूफ करने से पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, भाई कंस्ट्रक्शन, रचना, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया डी ई को, प्रोड्यूस डी ई टू पॉइंट एफ, ठीक है ना, टू पॉइंट एफ, और इस तरीके से प्रोड्यूस किया कि सच दैट डी ई को प्रोड्यूस किया कहां तक, पॉइंट एफ तक, सच दैट इस तरीके से प्रोड्यूस किया कि जो एफ सी बनेगी ना बाद में, जो एफ सी बनेगी वो पैरेलल होगी किसके, पैरेलल होगी ए बी के। ठीक है, तो हमने क्या किया है, डी ई को हमने प्रोड्यूस किया, तो प्रोड्यूस करो इसको, प्रोड्यूस कर दिया। अब इसके पैरेलल, कहाँ तक प्रोड्यूस किया हमने, F तक, और इस तरीके से प्रोड्यूस किया कि जो एफ सी है वो क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, ए बी के। ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर। ठीक है, हमने डी ई को प्रोड्यूस किया एफ पॉइंट तक कि जो एफ सी है वो ए बी के क्या हो, पैरेलल हो, इस तरीके से। अब देखिए बेटा इसका प्रूफ, कैसे करेंगे हम प्रूफ, इन ट्रायंगल ए डी ई, एंड ट्रायंगल, नीचे वाली ट्रायंगल ए डी ई ले ली, और अब आप ट्रायंगल ले ले सी एफ ई, इनमें सिमिलरिटी देखो क्या क्या है हमारे पास। हमें पता है कि जो एंगल ये है, ये एंगल क्या है, इक्वल हो जाएगा इसके, क्यों हो जाएगा, बिकॉज ए बी जो है वो एफ सी के पैरेलल है, तो ए सी एक ट्रांसवर्सल होगी, तो कौन से एंगल हो गई, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, कि एंगल डी ए ई, इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, एफ सी और ई के, कैसे भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये बात समझ में आई या नहीं आई। उसके बाद हमने देखा कि जो ए ई है, वो इक्वल है किसके, इक्वल है सी ई के,
क्यों है सी ई के इक्वल? क्योंकि ये कंडीशन हमने दे रखी है, गिवन है, बोलो yes, तो ये कंडीशन है हमारे पास गिवन। क्लियर भाई यहां तक? उसके बाद हमने देखा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, कि एंगल ए ई डी इक्वल है एंगल किसके? सी ई एफ। सी ई एफ कौन से एंगल हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलो यहां तक बात बताओ क्लियर है या नहीं है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो देन यहां से हो क्या गया कि जो ट्रायंगल है हमारे पास ए ए ई और डी, ए ई और डी वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है बोलो? पहले एंगल कौन सा लिया? सी सी ई और एफ। किस नियम से भाई? ए एस ए। ए एस ए सही है, ए एस ए कॉन्ग्रुएंट रूल है या नहीं है? अब यहां से क्या होगा वो देखिए आप, यहां से क्या हो गया कि जो ए ई है वो तो इक्वल सी ई है, खैर उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, कि जो ए डी है वो किसके इक्वल हो गया? ए डी। ए डी किसके इक्वल हो गया? सी एफ के। यानी कि ये वाला ए डी हमारा किसके इक्वल मिल गया? इस सी एफ के इक्वल मिल गया। मिल गया या नहीं मिल गया? बोलो भाई। ठीक है, बट ए डी है किसके इक्वल? ए डी किसके इक्वल है हमारा? किसके इक्वल है? डी बी के इक्वल है ना? तो बट हम यहां से लिखेंगे कि जो ए डी है वो हमारा डी बी के इक्वल है, तो इसका मतलब डी बी किसके बराबर हो गया? सी एफ के बराबर हो गया या नहीं हो गया? ये वाला डी बी हमारा बराबर हो गया किसके? सी एफ के। यहां तक बात बताइए क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब डी बी हमारा बराबर हो गया सी एफ के, और हमने कंस्ट्रक्शन में किया था कि जो ए बी है वो हमारा पैरेलल है किसके? पैरेलल है ए बी एफ सी के। ए बी किसके पैरेलल है? एफ सी के। किसमें किया ये हमने? कंस्ट्रक्शन में। तो बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकता हूं बोलो यहां? बाय कंस्ट्रक्शन। बोलो भाई yes, अब अगर मान लिया ए बी हमारा पैरेलल एफ सी है तो ए बी का छोटा पार्ट कौन सा हो गया? डी ई। तो देन मैं लिख सकता हूं कि जो डी ई जो कि हमारे पास पार्ट है वो भी पैरेलल होगा किसके? पैरेलल होगा डी बी किसके पैरेलल होगा? एफ सी के होगा या नहीं होगा बोलो? ये वाला डी बी किसके पैरेलल होगा? एफ सी के। बोलो हाँ या ना? क्लियर ये बात कि जो डी बी है हमारा वो पैरेलल होगा किसके? एफ सी के। अब देखो ध्यान दो, जो ये वाला डी बी है ये एफ सी के पैरेलल भी है, और यही डी बी हमारा एफ सी के क्या है? इक्वल भी है। क्लियर ये बात? तो इसका मतलब देन 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 क्या हो गया बोलो? डी बी डी बी सी एफ, डी बी सी एफ इज अ पैरेलोग्राम। बन गया? नहीं बन गई। बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल देन इट इज ए पैरेलोग्राम। तो पैरेलोग्राम हो गई भाई। पैरेलोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल एंड पैरेलल। तो यहां से मैं लिख सकता हूं देन, क्या लिख सकता हूं मैं देन? कि जो डी एफ है, डी एफ है वो पैरेलल होगी किसके? पैरेलल होगी बी सी के। कि डी एफ जो है वो पैरेलल होगी किसके? पैरेलल होगी बी सी के। अब डी एफ पैरेलल बी सी है तो डी एफ का छोटा पार्ट, तो देन मैं लिख सकता हूं कि जो डी ई है वो भी पैरेलल होगा किसके? पैरेलल होगा बी सी के। होगा या नहीं होगा? बोलो ये बात क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो हमने प्रूफ करना था ये तो हो गया प्रूफ। ठीक है, अब रही बात कि डी ई जो है वो बी सी का क्या होगा? हाफ होगा, आधा होगा। वो हम कैसे लिखें वो देखिए। तो देखो ध्यान दो, जो डी एफ है हमारा, जो डी एफ है हमारा वो किसके इक्वल है बोलो? बी सी के इक्वल है। डी एफ हमारा किसके इक्वल है भाई? बी सी के इक्वल है। क्यों है बी सी के इक्वल? अपोजिट साइड ऑफ पैरेलोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेलोग्राम है या नहीं है? क्लियर? और जो डी एफ है हमारा, उस डी एफ को, जो डी एफ है हमारा, क्या डी एफ को मैं ये लिख सकता हूं कि डी ई प्लस में क्या है बोलो? एफ ई एफ। बोलो हाँ या ना? क्या डी एफ को डी ई प्लस एफ ई लिख सकते हैं? ठीक है, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। आपने प्रूफ किया था कि ट्रायंगल ए ई डी जो कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है किस ट्रायंगल के? सी ई एफ के। कॉन्ग्रुएंट है ना? बोलो भाई। तो क्या यहां से जो डी ई है हमारा या ई डी है हमारा
जो ED है हमारा उसको क्या मैं EF लिख सकता हूं, बोलो, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है यहां तक? तो अब देखो, ध्यान दो, ऊपर आप देखो DF को तो DF मैंने छोड़ दिया, DE की जगह DE मैंने लिख दिया, और इस EF की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वापस से क्या लिख सकता हूं, DE लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बोलो। तो ये हो गया मेरे पास DF इज इक्वल टू एक और एक दो DE हो गया, बोलो। टू को इस साइड लिया हूं तो कहां जाएगा, वन बाय टू इंटू डी एफ किसके बराबर आ गया, DE के, आ गया या नहीं आ गया, बट DF किसके बराबर है, BC के बराबर, तो 1 बाय 2 इंटू BC किसके बराबर आ गया, DE के। रीजन में आप लिख दो बिकॉज जो DF है हमारा वो किसके बराबर है, BC के बराबर है, बोलो। और सेकंड चीज हमने यही प्रूफ करनी थी, कर लोगे? ये इसलिए लिखवाई है क्योंकि क्वेश्चन में यूज होगी, कर लोगे? समझ में आ गई थ्योरम? तो ये थी बेटा हमारी थ्योरम, कौन सी, 8.9। अब लास्ट थ्योरम भाई इस चैप्टर की, वो है 8.10। स्टेटमेंट मन मन में पढ़ना, ज्यादा आवाज ना आए आपकी, पढ़ो और बताओ मुझे क्या कहा गया है, क्या कहा इसने, इसने कहा द लाइंस लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट दी थर्ड साइड, वो तीसरी साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, काटती है। तो देखो ध्यान दीजिए, थ्योरम है हमारी कौन सी, 8.10, यही है ना। एक ट्रायंगल इसने दे रखी है बेटा, नाम दे दिया हमने इस ट्रायंगल को ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी हमें दे रखी है, दे रखी है ना। ए बी का मिड पॉइंट मान लो आप क्या है, मिड पॉइंट डी है। तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन दैट दिया है कि क्या दिया है, कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना। साथ में ये भी दे रखा है कि डी से जो हम एक लाइन, एक लाइन सेगमेंट जो हम बनाते हैं, अगर मान लिया वो पॉइंट डी ई है, साथ में ये भी दे रखे कि जो डी ई है ना वो पैरेलल भी है किसके, बी सी के। टू प्रूव दैट हमें क्या सिद्ध करना है, बोलो, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना, बताना, कि जो ई होगा ना, ई इज दी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कि जो ई है वो भी ए सी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, बोलो। तो ये प्रूफ करने से पहले बेटा हमें थोड़ी सी एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी, बैठ जाओ। एक कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, रचना करते हैं हम, ठीक है, कंस्ट्रक्शन रचना करते हैं थोड़ा सा, एक तरह से लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ई, तो ई जो है ना वो हमारा मिड पॉइंट नहीं है, हम मान लेते हैं कि एफ जो है एक और मिड पॉइंट आ गया हमारा, कहां पर, यहां पर लेट किया हमने, मान लिया लेट एफ इज दी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कि जो एफ है ना वो ए सी का क्या मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या किया हमने, डी को ई से मिला दिया। जो मैथ में थ्योरम दे रखी है मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं करवा रहा, मैं एक अलग मेथड से करवा रहा हूं, ठीक है। हमने क्या किया, F को D से मिला दिया भाई, ठीक है। तो ज्वाइन करवा दिया हमने क्या, D टू F, D को किससे मिला दिया, F से मिला दिया। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दें भाई, इसका प्रूफ बस लिखना है आपने और कुछ नहीं। प्रूफ के अनुसार आप लिखोगे कि हेयर D एंड F, यार पहले डी ही लिख दो, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कि डी जो है वो तो किसका मिड पॉइंट है, ए बी का है। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, ए सी, बाय कंस्ट्रक्शन भाई, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये काम हमने किससे किया है, कंस्ट्रक्शन से किया है, हाँ या ना, बोलो। yes, sir. तो देन
तो देन यहां से मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि जो DF है ना वो पैरेलल होगी किसके, पैरेलल होगी BC के। अभी हमने ऊपर वाले थ्योरम में ऐसा किया था, किससे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जो अभी ऊपर किया है हमने उसको मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बोलो हाँ या ना, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अगर दो ट्रायंगल के हमारे पास मिड पॉइंट क्या हो, दो ट्रायंगल के मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया हो तो तीसरी साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है। अभी हमने इससे पहले वाली थ्योरम में प्रूफ किया है, क्लियर ये बात, और उस थ्योरम का नाम क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। तो डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ऐसा हमने मान लिया है। तो इसका मतलब जो डी एफ है वो क्या होगी, पैरेलल होगी बी सी के, मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार। बट रियल में, बट जो डी ई है वो पैरेलल दे रखी है भाई, किसके पैरेलल दे रखी है, क्योंकि रूल के हिसाब से तो क्या दे रखी है, डी ई पैरेलल बी सी दे रखी है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि डी ई बी जो है वो पैरेलल बी सी हो और डी एफ जी जो है पैरेलल बी सी हो, नहीं हो सकता ना। तो आप लिखोगे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जो हम मान के चले हैं वो क्या हो गया, गलत हो गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि आवर आवर कंस्ट्रक्शन या आवर अंजप्शन इज रॉन्ग, जो हमने मान के हम चले थे या कंस्ट्रक्शन हम करके चले थे वो क्या आ गई, गलत आ गई। ये कब पॉसिबल होगा, विच इज पॉसिबल ओनली, विच इज पॉसिबल ओनली, विच इज पॉसिबल ओनली, ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब एफ जो है वो कॉन्साइड हो जाए। कॉन्साइड का मतलब क्या होता है, यहां से उठ के ई के ऊपर आ जाए, ठीक है ना, विच इज कॉन्साइड ऑन एफ, कॉन्साइड ऑन ई, कि एफ जो है हमारा यहां से उठ के किस पे आ जाए, ई पे आ जाए, और एफ यदि हमारा ई के ऊपर आ गया तो फिर मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा ई हो जाएगा। तो देन हम लिख सकते हैं कि देन ई इज दी मिड पॉइंट ऑफ एसी। बोलो yes, कर लोगे yes, बोलो भाई yes, तो इस तरीके से आपने जो है इसको कर लेना है। तो हैंस ट्रू, बोलो yes, ठीक है, हो जाएगी ये थ्योरम yes, तो काफी आज के लिए इतना yes, तो बस बेटा आज आपने ये दो ही थ्योरम करनी है, ठीक है, बाकी के एक्सरसाइज 8.2 और रहती है इस चैप्टर की हमारी, क्वेश्चन कितने हैं उसमें।